गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 4A। Which is included on page number 64. Okay, so let's start. We will discuss today in this chapter that how can we find out the cube and also cube roots. तो previous class में मैंने आप लोगों को cube और cube roots क्या होते हैं वो समझा रखा है। उसके पहले के क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर और स्क्वायर रूट को डिस्कस किया था, और इसके पहले के वीडियो में मैंने इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बता रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तभी आज के चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, अदरवाइज आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। एक्सरसाइज 4A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगर देखेंगे तो फर्स्ट में करा है इवेलुएट एट क्यूब, 15 क्यूब, 21 क्यूब एंड 60 क्यूब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है 8 क्यूब, और 8 क्यूब मतलब इसको अगर एक्सप्लेन करें तो इसका मतलब क्या होता है कि 8 अगर है और 8 कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है 3, अगर यहीं पर हम 8 स्क्वायर लिखेंगे तो इसका मतलब हुआ कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8, मतलब यहाँ पर 8 टू 10 आपस में ही मल्टीप्लाई है। अगर यहीं पर 8 टू द पावर 4 लिखते तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 आपस में ही 4 टाइम मल्टीप्लाई है, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 8, क्लियर। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे कि 8 टू द पावर 3 है या फिर 8 क्यूब भी बोल सकते हैं, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो वी कैन राइट दैट 8 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड मल्टीप्लाई बाय 8, ओके। एंड हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू, हम क्या करेंगे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन फर्स्ट ऑफ ऑल 8 इज जस्ट 64 एंड मल्टीप्लाई बाय 8 एंड इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाय 8 अगर करेंगे तो इसको मैं अलग से करके दिखा दूं, 864 मल्टीप्लाई बाय 8 देन दिस विल बी 8 फॉर द 32 कैरी 3 एंड 8 फॉर द 48 3 15। सिमिलरली यहां हम भी कर सकते हैं 8 फॉर द 32 8 फॉर द 48 3 1 5 1 ओके, इजी है। नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर सेकंड के अगर बात करें देन क्वेश्चन इज दैट सिमिलरली जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज बताया था, हाउ कैन वी राइट मीन्स 15 टू द पावर 3, वी कैन राइट दैट 15 मल्टीप्लाई टू ईच अदर इन 3 टाइम्स, 15 मल्टीप्लाई बाय 15 एंड मल्टीप्लाई बाय 15, क्लियर दैट। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 15, इसको हम चेक करेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय 5 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
625 मल्टीप्लाई बाय 50 I hope you understood. And similarly, now can we solve question number 3 and also 4. So let's see question number 3 and 4. To the power q. Similarly, 21 multiply by 21 and multiply by 21. So multiply करके चेक कर लेते हैं 21. इसको और इसको multiply करेंगे पहले. And 21. This will be 1 and 2. 2 to the 4. Sorry, 2 and 2. And 2 to the 4. So यहाँ add कर देंगे. 1, 4, 6, 8, 4, 12, and 9. And also is equal to that 9, 2, 6, and 1. Clear? So this is your answer. And now similarly we can solve the question number 4. So let's see how can we solve question number 4. Question number 4 is 16 whole cube. Means we can write 16 multiply by 16 and multiply by 16. So first of all, 16 multiply by 16, which will be 36. And then multiply by 16 and similarly 0, 0, 0. Okay, check the number answer. 60 multiply by 60, 0 and 0, 6, 0, 0, and 6 is the 36. This will be 0, 0, 6 and 3 also, and multiply by 60. अलग करते हैं यहाँ पर 3600 मल्टीप्लाई बाय 60 0 0 0 and 0 एंड दिस इज 0 0 6 एंड डायरेक्टली 21 दिस इज 0 0 0 6 1 2 2 1 6 0 0 2 1 6 0 एंड दिस Yeah. And now, similarly, we are going to solve question number 2. देखिए, कैलकुलेशन हमारा अगर स्ट्रांग है, तो हम किसी भी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हम पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम देखेंगे कि 1.2 का होल सेम वही प्रोसेस है, पॉइंट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, तो ये कैलकुलेशन हमारे इजी हो जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन को, टू का क्वेश्चन को फर्स्ट देखेंगे हम लोग। 1.2 होल जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा, सिमिलरली वही प्रोसेस यहां पे हम लोग फॉलो करेंगे। मीन्स वी कैन राइट द 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.2, ओके। व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय दिस 1.2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1.2, ओके। सो लेट्स सी, 2 टू 4 एंड 2 एंड 2 2 एंड 2 1 4 4 and 1, this is 1 4 4 1 4 4। या तो हम मल्टीप्लाई मेथड से सॉल्व करके निकालें या फिर इसका एक तरीका हम देखेंगे। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम फ्रैक्शन में चेंज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। वहां क्या होगा कि हमें मल्टीप्लीकेशन, जो पॉइंट मल्टीप्लीकेशन करने हैं वो हमें नहीं करने होंगे, तो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करके सॉल्व करेंगे लाइक। और मैंने आपको पॉइंट से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स बताए थे, अगर वो आपको याद है तो इस भी यहाँ पर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पर हिंट देता हूँ, चलिए देखिए। अगर हमें पॉइंट में लाइक मैंने यहाँ पर 1.5 अगर लिखा और इस पॉइंट को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो मैंने आपको बताया था कि आप ऊपर के डिजिट को टोटल लिखेंगे पूरा और नीचे अपॉन वन करेंगे, और ये देखेंगे कि कितने नंबर राइट साइड से कितने नंबर्स पर या कितने डिजिट के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, उतना जीरो हम वन के साथ लगा रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यूनिट पे 5 के बाद हमारा पॉइंट है, मतलब एक नंबर, तो हम इसको 15/10 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम 1.2 को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1.2 को हम टोटल क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे, अपॉन 1 कर देंगे, और कितने नंबर पर हमारा पॉइंट है, एक नंबर पर, तो हम यहाँ पर एक जीरो यहाँ पर बढ़ा देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे होल क्यूब, क्लियर है। इस मेथड को हम फॉलो अभी नहीं करेंगे, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्या, इसको या तो हम यही कैंसिल आउट कर लें या फिर एक्सप्लेन करने की बात करें तो हम इसको यही कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 6 12 एंड 2 5 10 मीन्स दिस विल बी 6/5 का होल क्यूब हो जाएगा, ओके। एंड इक्वल टू सिमिलरली 6 का होल क्यूब अपॉन 5 का होल क्यूब इक्वल टू 6 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
सॉरी दिस विल बी 216. इसको चेक कर लेते हैं ना, 6 × 36 एंड मल्टीप्लाई बाय 6 देन 36 मल्टीप्लाई बाय 6 डायरेक्टली 216 एंड 216 एंड दिस इज योर आंसर. एंड सिमिलरली नाउ सी क्वेश्चन नंबर सेकंड विल बी point
रेगुलर में अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 35 अपॉन 10 होल क्यूब एंड 5 to the 10 एंड 5 to the 35 एंड वी कैन राइट 7 अपॉन 2 होल क्यूब एंड इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7 upon 2 multiplied by 2 and multiplied by 2 and this will be 7 × 49 multiplied by 7 and 49 multiplied by 7 upon 3, 6, 34 Now similarly, we are going to solve question number 3rd and 4th also. So you have solved question number 3rd. Let's see. इसको पहले हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 0.8 है कम से कम 8 अपॉन 1 लिख देंगे और राइट साइड से 1 पॉइंट हम क्या करेंगे 8 अपॉन 10 एंड दिस इज होल क्यूब 2 × 4 = 8 एंड 2 × 5 = 10 मीन्स 4 अपॉन 5 होल क्यूब एंड इट्स इक्वल टू clear and this is your question number 2nd to 3rd 54 upon 125. Similarly, we are going to solve question number 4. चेंज करते हैं इसको तब वी कैन राइट 5 अपॉन 1 लिखेंगे और 2 यहां पर 0 लिखेंगे होल क्यूब एंड कैंसल आउट करेंगे इसको 5 × 5 एंड 5 × 10 एंड 0 मीन्स वी कैन राइट 1 upon 20 होल क्यूब equal to 1 multiplied by 1 and multiplied by 1 and all upon 20 multiplied by 20 and multiplied by 20 and now 1 it is 1 and 2 × 4 = 8 and 3 × 0 okay कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं 20 multiplied by 20 0 and 0 2 0 0 2 2 4 and 3
then multiply by 20 and also multiply by 20. Now let's see question number third. Question number third, 4/7. अभी हम लोगों ने पीछे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए एंड राइट 4³/7³ इक्वल टू 4 × 4 × 7 × 7 × 6 एंड इक्वल टू 4 × 4 = 64 एंड 64 × 4 = इसको हम अलग कर लेते हैं 4 × 4 = 64 एंड मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 64 × 4 = 16 एंड 1 एंड 5 × 56 अपॉन 7 × 7 = 49 and multiply by 7 and 49 and multiply by 7 Sorry.